यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की डील फाइनल हो गई है। गठबंधन का औपचारिक ऐलान अगले एक दो दिन में हो सकता है, लेकिन आरएलडी इस गठबंधन में शामिल नहीं है। समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का साथ बातचीत भी हो चुका, अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा। और हम लोग का लक्ष्य है केवल 2017 नहीं, 2019 में ही है, इसलिए कांग्रेस का साथ हम लोग गठबंधन किया कि 2017 में सत्ता पुनराय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस का साथ अलायंस से अब और भी जबरदस्त होगा। और 2019 में हम लोग दिल्ली के लिए हम लोग वहाँ भी हम लोग का लक्ष्य है, तो बातचीत सब हो चुका। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी 40 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि एसपी कांग्रेस सिर्फ 20 से 22 सीटें ही देने को तैयार हैं। इसके साथ ही सरकार बनने पर अजीत सिंह बेटे जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर सकते हैं, जिसके लिए सीएम अखिलेश तैयार नहीं है।